दिखा दो इधर। सो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार टीचर्स, मैं हितेश कपूर। आज इस लाइव सेशन में हम टीचर्स आपका डर दूर करेंगे डिजिटल पैनल को लेके। हम लोग देखेंगे कि डिजिटल कोर्स से आपकी इनफैक्ट दोस्ती कराएंगे, क्योंकि तो खरीदते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ये रहता है, चैलेंज रहता है कि डिजिटल बोर्ड क्या है, उसके टेक्निकल पार्ट्स क्या हैं, अगर ख़राब हो गया तो वो कैसे रिपेयर होगा, उसमें होता क्या है डिजिटल बोर्ड में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इनफैक्ट इसी तरीके के वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस, लाइव सेशंस मेरे इस चैनल पे आपको देखने को बार बार अब मिलते रहेंगे। तो मेरे सामने एक डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे अब हम लोग इस डिजिटल बोर्ड को ओपन करेंगे। डिजिटल बोर्ड के हम लोग उस पार्ट को आज कवर करेंगे कि डिजिटल बोर्ड में अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आती है, यानी अगर डिजिटल बोर्ड डेड हो जाता है या डिजिटल बोर्ड में किसी और तरीके की माल फंक्शनिंग होती है, यानी मदरबोर्ड की जो खराबी आती है, तो वो सब हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए शुरुआत करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। इनफैक्ट ये वीडियो एक बेसिक ओवरव्यू भी रहेगा और ये सभी उन टेक्निकल भाइयों के लिए भी रहेगा जो डिजिटल बोर्ड फील्ड पे जाके अगर उनको कभी चेंज करना पड़े, मदरबोर्ड चेंज करना पड़े, तो वो इससे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक तरीके से आप मान लीजिए कि डिजिटल बोर्ड का हम लोग ऑपरेशन ही करने जा रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो मेरे साथ दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हरीश और डॉक्टर रामकिशन, जो डिजिटल बोर्ड का ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग साथ साथ कवर भी करेंगे। अब आप यहाँ पे दिखाइए जरा। तो सबसे पहले हमको ये जो स्टैंड दिख रहा है जिस पे ये वॉल पे माउंट होता है, तो इस माउंट पे ये जो नीचे वाला पेज है ये ओपन करना है, और साथ ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पेज भी ओपन करना है। आपको अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। अब उसके बाद ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, देखिए ज्यादातर पैनल पीछे से बैक साइड से एक ही है, तो आप ये मान के चलें कि 80% पैनल इसी तरीके से हैं। दो पार्ट में इसको हम देखेंगे। दो पार्ट यानी ये जो आपको जो बॉक्स वाला पार्ट दिख रहा है जिसपे भी ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो जो ये बॉक्स वाला पार्ट है, तो ये बॉक्स वाले पार्ट के अंदर ही मदरबोर्ड होता है, इसी में आपका मदरबोर्ड सिस्टम अवेलेबल रहता है। और ये जो बाकी एक्सटर्नल पार्ट जो आप ये देख रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल पार्ट बाकी है ये वाला, ये एलईडी के लिए होता है। तो अगर मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, पैनल डेड है, तो हमें वो बाकी स्क्रू खोलने की जरूरत नहीं है जो डाउन साइड पे है। ये सिर्फ जो अपर बॉक्स है इसी के साथ जो ये स्क्रू हमें दिख रहे हैं इसी के पैरेलल यहाँ पे चारों तरफ, तो ये सारे स्क्रू हमें खोलने हैं। और ये सभी स्क्रू जो हमें खोलने हैं, ये आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये वाले जो पार्ट है, इस पार्ट पे ये जो प्लेन पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये उठा वाला पार्ट है, यही वाले स्क्रू हमें खोलने हैं जो इसके सराउंडिंग है। ये डाउन वाले पार्ट के स्क्रू हमें नहीं खोलने हैं, क्योंकि वो हमें जब खोलने की जरूरत पड़ती है, जब हमें एलईडी यानी इसका डिस्प्ले अगर रिप्लेस या रिपेयर करना होता है तो जरूरत पड़ती है। और एलईडी या डिस्प्ले रिपेयर करने के लिए ऐसे किसी ओपन रूम में वो नहीं कर सकते। डस्ट प्रूफ रूम होता है, वो बहुत सेंसिटिव रूम होता है, वहाँ पे ना डस्ट का आने देना चाहिए। वो एक सेपरेट रूम्स होते हैं, तो एलईडी जो कभी रिपेयर होती है या रिप्लेस होती है, तो वो किसी ऐसे ओपन रूम में नहीं हो सकती। ऐसे ओपन रूम में या कस्टमर साइट पे सिर्फ इस तरीके के मदरबोर्ड ही रिपेयर होते हैं। तो जब तक ये स्क्रू खोल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दूसरा मदरबोर्ड, नया मदरबोर्ड। तो इस तरीके से ये मदरबोर्ड आते हैं। पहले के पैनल में, यानी आप मान के चलिए करीब 2022 से पहले जितने पैनल आते थे लगभग, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे एक जनरिक बात कर रहा हूँ, किसी भी स्पेसिफिक मेक मॉडल ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जेनरिक वे में हम लोग यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो 2022 से लगभग जितने पैनल पहले आते थे, तो उसमें मदरबोर्ड का पार्ट अलग होता था और पावर सप्लाई का पार्ट अलग होता था। लेकिन अब
2022 के जितने बाद पैनल आना शुरू हुए हैं उसमें मदरबोर्ड और पावर सप्लाई दोनों इसी में ही है, यानी आप ये जो देख पा रहे हैं ना, दोनों मदरबोर्ड भी इसी में है और पावर सप्लाई भी इसी में है। तो अगर आपका पैनल डेड होगा तो भी यही पूरा कंप्लीट रिप्लेस होगा, या मदरबोर्ड की माल फंक्शनिंग होगी तो भी पूरा यही रिप्लेस होगा। अब हम फर्स्ट व्यू देखते हैं ये बॉक्स ओपन होने के बाद। अब ये देखिए, सबसे पहले ये नीचे वाली ये जो स्ट्रिप ओपन कर ली है, अब आप ये ऊपर वाला बॉक्स हटाइए। अब आप देखेंगे ये वाला जो आपको स्ट्रिप दिख रहा है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो स्ट्रिप है ये डिस्प्ले का है, और ये वाला जो बोर्ड है ये आपका मदरबोर्ड है और पावर सप्लाई है। तो अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ओपन करने से पहले इस मदरबोर्ड में 6 प्लग्स हैं, 1, 2, 3 इस तरफ, 4, 5 और ये 6। तो ये 6 प्लग ओपन होने हैं। ओपन करने से पहले आप इसको भी यहाँ से ये स्क्रू ओपन करके ये वाला ओपन कर दीजिए, ये आप निकाल दीजिएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको ये ओपन किस तरीके से करने हैं, ये जो प्लग आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप पास ले आओ, आपका थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। तो ये लॉक्स हैं ये वाले, आप इस लॉक को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये प्लग बाहर होगा, इस लॉक को ऊपर की तरफ से करेंगे ये प्लग बाहर होगा, और ये जो ब्लैक कलर का जो लॉक है ये इस तरफ है, तो आप इसको यहाँ से ही उठाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा और ये यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी जो ये ब्लैक वाली जो स्ट्रिप्स हैं उसमें ये जो लॉक है इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे, और ये प्लग के लॉक को आप ऊपर करेंगे और यहाँ से ऐसे इसको आप खींच देंगे। ये आपको भी चेक कराते हैं, देखिए हम अपने चैनल पे अब आपको पैनल हो गया, कैमरा हो गया, तो ये सभी तरीके से, क्योंकि हमें टीचर का डर खत्म करना है, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत इजी है। तो टीचर लेते हुए जो बहुत ज्यादा घबराता है कि खराब हो गया तो क्या होगा, तो बस ये छोटी मदर बोर्ड ही है मेजर। देखिए वैसे तो अगर आप एक अच्छा यूपीएस लगा लेंगे अगर डिजिटल बोर्ड के साथ, तो इन सब तरह की प्रॉब्लम आपको आती नहीं है। क्यों लगाना चाहिए यूपीएस, उसके इसी चैनल पे मेरे ऑलरेडी वीडियोस हैं भी। तो आप पहली, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप यूपीएस अगर आप लगा लेंगे तो यहाँ तक आपकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि देखिए 3 साल की वारंटी देती है आपको पैनल की कंपनी, बट फिर भी टाइम तो वेस्ट होता ही है ना। तो अपना टाइम भी एटलीस्ट वेस्ट ना हो तो आप एक यूपीएस लगाएं, कहीं से भी लगाएं, कोई भी लगाएं, एटलीस्ट एक यूपीएस साथ में लगाएं, और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो इसी तरीके से सिर्फ मदरबोर्ड आपका चेंज हो सकता है। तो अब आप इसको यहाँ से अब आप निकालो, अब आप ये निकाल लो, उनको दे दो। अब ये वाला मदरबोर्ड आपको देता हूँ। अब सेम आप ये मदरबोर्ड यहाँ पे लगा देंगे, तो मदरबोर्ड लगाने के बाद अब आपका पैनल रेडी हो जाएगा। एक एक करके भी इसका स्क्रू कसने के बाद फिर जब प्लग करेंगे तो टीचर्स हम लोगों को भी अब धीरे धीरे थोड़ा सा यूट्यूब पे हम लोग एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि तो देखा है मार्केट में बहुत सारी चीजें, बहुत लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, तो अब इसीलिए हमने भी सोचा है कि चलिए अब एक राइट इन्फॉर्मेशन कस्टमर को दी जाए, क्योंकि तो बींग हम लोग जब से पैनल बूम पे आया हम लोग तभी से शुरू से कर रहे हैं, हजारों सेटअप हम लोग कर चुके हैं, हजारों पैनल स्टूडियो सेटअप हम लोग कर चुके हैं, तो बट फिर भी मार्केटिंग की कमी की वजह से थोड़े मार्केटिंग में हम लोग कमजोर हैं, बट कोई बात नहीं, अब ठीक करेंगे उसको भी। तो अब आप यहाँ पे एक बार चेक करवा दो इनको, ये यस। तो ये जो वायर्स हैं ये बहुत ध्यान से थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हाथों से आप लोग लगाएं प्लग को। नॉर्मली टीचर को तो ये करना नहीं है, बट फिर भी टीचर को दिखाने का पर्पस ये कि एटलीस्ट वो देख सके कि ये क्या चीजें हैं, कैसे लगता है, कैसे दिखता है, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है टीचर्स के लिए। इनफैक्ट अभी मैं एक्चुअली मोबाइल से ये वीडियो शूट हो रहा है, तो मैं अभी कमेंट
ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बट फिर भी जो आपके कमेंट रहेंगे, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है पैनल से रिलेटेड, कमेंट से, स्टूडियो से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल पे जो वीडियो हैं उस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं देख के आपको उस पर रिप्लाई करूँगा। टीचर अब हम लोग बेसिकली प्योरली डेडिकेटेड हैं टीचर्स के लिए, स्टूडियो सेटअप हमारा दिन सुबह शाम रात सिर्फ टीचर पैनल स्टूडियो पे ही जाता है, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होके हमसे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें, और जितना हमसे हो पाएगा, जितना जल्दी हमसे हो पाएगा आप लोगों के लिए हम लोग सपोर्ट अवेलेबल करवाएंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर दो, ताकि क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक्चुअली टीचर्स के लिए तो चलिए एक ओवर व्यू है, लेकिन जो टेक्नीशियन फील्ड पे बनाते हैं तो उन भाइयों को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ये स्क्रूज है बेसिकली मदरबोर्ड रिप्लेस, क्योंकि रिपेयरेबल इसमें ऐसा देखिए कुछ है भी नहीं, इसमें आप अगर मोटा मोटा देख पा रहे हैं पूरे पैनल में, ऊपर से अगर आपको ओवरव्यू दिखाएं तो पैनल में आप देख पा रहे हैं एक ये मदरबोर्ड है, एक ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले का सर्किट है, दैट्स इट, मदरबोर्ड में ही पावर सप्लाई है, बाकी डिस्प्ले वाले सेक्शन में अंदर जाके इसमें जो इसका LED है, जो इसका सेंसर है, वो सब उस पार्ट में आता है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं खोल सकते क्योंकि उसके लिए डस्ट प्रूफ रूम चाहिए होता है। मैं तो टीचर साहब से बार बार, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम जो मेरे यहाँ तक टीचर आते हैं या जो ऑनलाइन डेमो में भी हमारे साथ जो जुड़ते हैं, हम लोग सबसे पहले जरूर उनको बोलते हैं कि आप एक CVT जरूर लगाएं, UPS जरूर लगाएं, आप यहाँ तक पहुँचने ही ना दें अपने पैनल की स्थिति को। इवन जब आप पैनल खरीद रहे होते हैं तो साथ ही में इसका बजट भी लेके चले UPS CVT का। तो बस अब हम इस पैनल को, जैसे ही मदरबोर्ड इसका फिट हो चुका है, इसमें ये कनेक्शन कर चुके हैं, और कनेक्शन आप कर चुके हो जी सर? ठीक है, तो अब आप इसमें एक बार ये पावर लगा के, ये आप स्ट्रिप तो एज इट इज बंद होनी है, इसको लगाने के बाद अब आप यहाँ स्ट्रिप लगा देना, एक दो स्क्रू कस के ऑन करके दिखा दो, बाकी आप जो तो स्क्रू ही है नॉर्मल उसके अंदर कसनी है वो आप कस के दिखा सकते हैं। ये वाली स्ट्रिप ऊपर रखो एक बार, कैसे रखनी है वो एक बार दिखा दो। हाँ नहीं, वीडियो के पर्सपेक्टिव से एक बार बस ऑन करके दिखा दो, यहाँ पे पावर पॉइंट कहाँ पे है, वहाँ पे पावर पॉइंट लगाओ, एक बार यहाँ से इसको ऑन करके दिखा देते हैं। एक्चुअली में ये पैनल डेड था, तो एक डेड पैनल था, तो इसमें हमने मदरबोर्ड चेंज करना था, तो इसलिए हमने सोचा कि एक आप सबके लिए एक वीडियो भी बना देते हैं, आप लोगों को भी दिख जाएगा और पैनल भी ठीक हो जाएगा। देखिए इतनी देर का काम है, एक पैनल डेड हो जाए, लाइट जल गई, आप यहाँ से दिखा दीजिए। देखिए टीचर्स का ये सवाल होता है ना कि कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है, देखिए अगर आपका, हाँ एक बार पहले वहाँ दिखा दो, हाँ अब आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूँ। बस वो तो लाइट चाहे रेड भी आ गई है, पहले तो रेड भी नहीं आती थी ना लाइट, तो देखिए इतनी देर का काम होता है एक पैनल, डेड पैनल को ऑन करना, अगर आपके पास स्पेयर अवेलेबल है तो टीचर का जो सबसे बड़ा सवाल है कि कितने टाइम में ठीक हो जाता है पैनल। तो देखिए अगर आपके पैनल मैन्युफैक्चरर का सर्विस नेटवर्क अच्छा है और उसके जो सर्विस नेटवर्क के पास वहाँ पे मदरबोर्ड की अवेलेबिलिटी है, तो इतनी देर लगती है पैनल को रिपेयर करने में। हाँ अगर उस एरिए में मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं होता तो कोरियर से जब जाता है तो जो कोरियर का टाइम लगता है और उसके बाद टेक्नीशियन पहुंच के साइट पे ये रिपेयर का काम करता है, उतना टाइम एक्चुअल लगता है, और बाकी आपके सर्विस प्रोवाइडर, आपके डीलर और आपके मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है, प्रोसेस यही है। तो आई होप इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कमेंट पे आप कर दीजिएगा अगर आपको इस तरीके के कुछ कैमरा या स्टूडियो या कुछ भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेरी रहती है, अगर आपको इनको भी खोल के देखना है कि इन कैमरास के अंदर क्या होता है, तो इनफैक्ट वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो अभी तो ये लाइव है, फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव कर रहे हैं, तो आगे भी अब लाइव करते रहेंगे, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं।
नमस्कार। नहीं वो लाइट दिखा दी, वो हो गया।